हेलो दोस्तों, साइनिक आईटीआई यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर करें। आज इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर के लिए पार्ट नंबर 18, ठीक है, जो भी आपको क्वेश्चन बताया जा रहा है, आपका एग्ज़ाम इस समय चल रहा है, आप लोग इसमें से पढ़िए। 100% है कि इसी में से ही क्वेश्चन सब आ रहे हैं। तो आपका 18 नंबर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 432। कौन सी युक्ति धूप को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है? ठीक है, किसके द्वारा? ठीक, किसके द्वारा हम विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं धूप से? ठीक है, तो आप लोग को पता है कि सोलर द्वारा ही किया जाता है। ठीक, सोलर। ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर में फोटोवोल्टेइक सेल। ऑप्शन नंबर बी है लिक्विड क्रिस्टल डायोड। ऑप्शन नंबर सी है लाइट इमिटिंग डायोड। डी है लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस रजिस्टर्ड। ठीक है, तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फोटोवोल्टेइक सेल। फोटोवोल्टेइक सेल। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 433। द्वितीयक सेल किस नियम से कार्य करती है? द्वितीयक सेल जो होता है किस नियम पर कार्य करती है? किस नियम पे कार्य करती है? आपका ऑप्शन नंबर ए है लेंज का नियम, बी है जूल का नियम, सी है फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम। ठीक है, विद्युत अपघटन का नियम फैराडे। ऑप्शन डी है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत। तो आपका कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। कौन सा ऑप्शन नंबर? सी, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 434 नंबर। कौन सा है? 434 नंबर। विद्युत अपघटन के दौरान, विद्युत अपघटन के दौरान एकत्रित द्रव्यमान की गणना करने का सूत्र क्या होता है? क्या होता है? एकत्रित द्रव्यमान की गणना करने का सूत्र क्या होता है? तो आपका सूत्र ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यम बराबर GIT GM। क्या हो जाएगा? यम बराबर ZITGM। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 435। बैटरी की क्षमता कैसे बताई जाती है? बैटरी की जो क्षमता होती है किसमें बताई जाती है? इस क्वेश्चन में आपका पूछा गया है बैटरी की दक्षता किसमें मापी जाती है, जो क्षमता होती है किसमें मापते हैं? वोल्ट में, वाट में, वोल्ट एम्पेयर में या एम्पेयर घंटा में? ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, एम्पेयर हॉर्स में। ठीक है, एम्पेयर घंटा में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 436। उस दोष का नाम बताइए जिस कारण से द्वितीयक सेल में प्लेट मुड़ जाता है। द्वितीयक सेल में जो सेकेंडरी होता है उसमें सेल प्लेट जो होता है मुड़ जाता है। ठीक, बकलिंग, स्थानीय क्रिया, आंशिक लघुपतन, कठोर सल्फेशन, किसके इस कारण होता है? ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बकलिंग। किसके द्वारा? बकलिंग के कारण प्लेटें मुड़ जाती हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 437। विद्युत आवेश की क्या इकाई होती है? जो होता है विद्युत आवेश की इकाई के बारे में पूछा गया है, तो इकाई क्या होती है? विद्युत आवेश की इकाई क्या होती है? वोल्ट होता है, वाट होता है, एम्पेयर होता है या कूलाम होता है? तो क्या होता है? आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, क्या होता है? कूलाम होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
438 नंबर, लिथियम सेल का निर्गत वोल्टेज कितना होता है? जो आपका लिथियम वोल्टेज होता है, ठीक है, आउटपुट वोल्टेज उसका कितना होता है? तो लिथियम बैटरी जो होती है सबसे अच्छी बैटरी मानी जाती है और सबसे अच्छी बैटरी होती है वह, ठीक, गाड़ियों के संचालन के लिए उसमें लिथियम बैटरी का प्रयोग किया जाता है, आम बैटरियों के मुकाबले यह महंगी होती है। तो इसका वोल्टेज कितना होता है? 1.2 वोल्टेज, 1.5 वोल्टेज, 1.8 वोल्टेज या 2.5 वोल्टेज? तो आपका आंसर हो जाएगा राइट आंसर डी, 2.5 वोल्टेज होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 439 नंबर, कम समय में उच्च दर से बैटरी आवेशित करने हेतु तो कौन सी विधि अपनाई जाती है? कौन सी विधि कम समय में बैटरी को चार्ज करने के लिए कौन सी विधि को अपनाया जाता है? तो ऑप्शन ए है प्रारंभिक आवेश विधि, बूस्टर आवेश विधि, ट्रिकल आवेश विधि, फ्रेंसिंग आवेश विधि। आपका राइट आंसर होगा बी, ठीक है, बूस्टर आवेश विधि। कौन सा होता है? बूस्टर आवेश विधि राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 440 नंबर, कार्बन जस्ता शुष्क सेल में कौन सा विद्युत अपघटन उपयोग किया जाता है? कौन सा विद्युत अपघटन उपयोग किया जाता है? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, अमोनियम क्लोराइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, तो कौन सा उसमें हम प्रयोग करते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड। क्या होगा? अमोनियम क्लोराइड। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 441, द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित होना कौन सा प्रभाव कहलाता है? कौन सा प्रभाव कहलाता है, ठीक है, उष्मीय प्रकाशीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव या रासायनिक प्रभाव? तो कौन सा प्रभाव कहलाता है? आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, केमिकल, रासायनिक प्रभाव, ठीक है, केमिकल। क्वेश्चन की ओर 442 नंबर, सीसा अम्ल बैटरी में ऋणात्मक प्लेट बनाने हेतु कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है? क्या पूछा है? ऋणात्मक प्लेट माइनस, ठीक है, ऋणात्मक प्लेट बनाने के लिए कौन सा पदार्थ प्रयोग करते हैं? तो आपका कौन सा? लेड डाइऑक्साइड, स्पंज सीसा, लेड पैरोक्साइड, लेड सल्फेट। तो इसमें आपका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक, स्पंज सीसा। क्या होता है? स्पंज सीसा, ऋणात्मक प्लेट बनाने के लिए आपका स्पंज सीसे का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 443 नंबर, धातु सतह के क्षरण के नियंत्रण हेतु कौन सी तकनीक प्रयोग होती है? कौन सी तकनीक प्रयोग किया जाता है? एनोडिक सुरक्षा, कैथोडिक सुरक्षा, इलेक्ट्रोलिटिक सुरक्षा, स्थिर विद्युत सुरक्षा? तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कैथोडिक प्रोटेक्शन, ठीक है, कैथोडिक सुरक्षा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 444 नंबर, डिजिटल घड़ियों में सामान्यतः कौन सा सेल प्रयोग किया जाता है? डिजिटल घड़ी जो होता है उसमें कौन सी बैटरी का प्रयोग करते हैं? वोल्टेइक, लिथियम, पारा, सिल्वर ऑक्साइड? तो आपका कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, इसमें मरकरी, ठीक है, पारा का प्रयोग किया जाता है, पारा वाला बैटरी का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 445,
समांतर युग्मन परिपथ में यदि एक सेल को विपरीत ध्रुवता के साथ संयोजित किया जाए तो क्या प्रभाव होगा? समांतर युग्मन परिपथ में यदि एक सेल को विपरीत ध्रुवता के साथ जोड़ा जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, तो क्या प्रभाव पड़ेगा? वोल्टेज शून्य हो जाएगा। ठीक, बी में है खुला परिपथ हो जाएगा। ऑप्शन सी में है लघु परिपथ हो जाएगा। क्या होगा? लघु परिपथ हो जाएगा। ऑप्शन डी है आपका कोई प्रभाव नहीं, सामान्य रूप से कार्य करेगा। देखिए इसमें क्या होगा, रास्ता आपका छोटा हो जाएगा, लघु परिपथ ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, विल गेट शॉर्ट सर्किटेटेड, लघु पथित हो जाएगा, लघु पथित हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 446 नंबर। बैटरी आवेशक में फाइन सेलेक्टर स्विच का क्या कार्य है? जो फाइन सेलेक्टर स्विच होता है उसका कार्य पूछा गया है, इस स्विच का कार्य क्या है? तो सेलेक्टर स्विच क्या होता है? धारा रेटिंग का चुनाव, आवेशन समय का चुनाव। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिलेक्शन ऑफ करेंट रेटिंग, धारा रेटिंग का चुनाव। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 247। सौर सेल में तापमान के संदर्भ में निर्गत शक्ति पर क्या प्रभाव होगा? निर्गत शक्ति पर क्या प्रभाव होगा? ऑप्शन नंबर ए है तापमान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तापमान में वृद्धि के साथ वृद्धि होगी, तापमान में वृद्धि के साथ कमी होगी, तापमान में कमी के साथ कमी होगी। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन हो गया आपका डी, डिक्रीजेज विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर, तापमान में कमी के साथ। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 448। बैटरी में आवेशन के समय हाइड्रोमीटर का क्या उद्देश्य है? बैटरी में आवेशन के समय हाइड्रोमीटर का क्या उद्देश्य होता है? हाइड्रोमीटर का क्या उद्देश्य होता है? ठीक है, ए यह क्षमता निर्धारित करने हेतु, बैटरी वोल्टेज स्तर निकालने हेतु, बैटरी के निरावेशित स्तर निकालने हेतु, विद्युत अपघटन का विशिष्ट गुरुत्व निर्धारित करने में। ठीक, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, विद्युत अपघटन का विशिष्ट गुरुत्व निर्धारित करने में, गुरुत्व निर्धारित करने में। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 449। फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम का सूत्र क्या होगा? फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम का सूत्र क्या होगा? ठीक, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, यम बराबर जेड आई टी, यम बराबर जेड आई टी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 450। सीसा अम्ल सेल में विद्युत अपघटन की तरह क्या उपयोग किया जाता है? क्या उपयोग किया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अमोनियम क्लोराइड, पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या कहा जाता है? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, डिल्यूटेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 451, आज का यह लास्ट क्वेश्चन है। चलते क्वेश्चन की ओर। परिपथ का कुल वोल्टेज क्या होता है? ये आपके सामने बैटरी दिखाया गया है, यहाँ लोड है। ठीक है, इसका बोला है परिपथ, इस सर्किट का कुल वोल्टेज कितना है? तो आपको यह जोड़ करके बताना है कितना वोल्टेज आपका है। 1.5 वोल्टेज, 6.0 वोल्टेज, 7.5 वोल्टेज, 9.0 वोल्टेज। ठीक, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1.5 वोल्टेज होता है।
आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर करें। आप लोग इसको पढ़ते रहिए और सभी दोस्तों को शेयर करिए ताकि कोई भी बच्चा छूटने ना पाए और एक बार में आप लोग एग्ज़ाम को पास कर जाइए। ठीक है, धन्यवाद।